हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल में कुकिंग विद काजल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं काजल आज अपनी इस कुकिंग के चैनल में बच्चों के टिफिन का आइडिया लेके आई हूँ, जो कि आज के मतलब टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चों का डिमांड ऐसा है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा आज लंच का आइडिया लेके आई हूँ बच्चों के लिए, और ये सुबह के मतलब भाग दौड़ टाइम में ये बहुत ही जल्दी से आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड का सैंडविच, वो भी बहुत ही एकदम मतलब कम सामान से और बहुत ही जल्दीबाजी में। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ बारीक कट किया हुआ टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, और ये है बेबी कॉर्न। ठीक है, ये स्वीट बेबी कॉर्न है। तो इसे डाल के आज मैं बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले एक लेते हैं बॉल्स छोटा सा, उसमें डालते हैं बेबी कॉर्न, उसके बाद से इसमें डालते हैं बारीक कट किया हुआ प्याज, सारे वेजिटेबल को हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद से डालते हैं टमाटर बारीक कट किया हुआ, शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च बच्चों को पसंद ना हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद से यहाँ डाल रहे हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ उसमें, चाट मसाला, और उसके बाद से इसमें डाल रही हूँ चीज, तो ये है मोजरेला चीज। इसको इस तरह से कद्दूकस कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम है ना, आज घर पे हम मतलब एकदम ये ब्रेड का पिज्जा इतना टेस्टी लगेगा कि आप अगर एक बार इसे बना के दे तो बच्चे सप्ताह में 2 से 3 दिन यही खाने के लिए जिद करेंगे। इतना अच्छा ये रेसिपी है, और सच मानिए तो ये बहुत जल्द बन भी जाता है। मैं खुद का अनुभव शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो मैं सुबह सुबह लंच में ये बना के देती हूँ, बहुत ही फटाफट से ये लंच बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए यहाँ मोजरेला चीज़ डाल देते हैं, और यहाँ चीज़ आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हो, वैसे अगर ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ बहुत सारा भर के चीज़ इसमें कद्दूकस कर दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा से देखिए मिक्स हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिक्स होने के बाद अब इसको रखते हैं हम साइड में। तो यहाँ लेते हैं ब्रेड, तो यहाँ मैं सिंपल वाला ब्रेड ले रही हूँ, आप इसमें यहाँ कोई सा भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें लगाते हैं मक्खन या मलाई, कुछ भी आप लगाइए जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घर की एकदम फ्रेश यहाँ पे मलाई है, उसको लगा के जो भी यहाँ हमारा अभी स्टफिंग है उसको चम्मच की सहायता से इस तरह से फैला के हम पूरे ब्रेड पे रख लेते हैं, चारों तरफ से इसको फैला देते हैं। ठीक है, बेबी कॉर्न देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ऊपर से भी लगाते हैं इस ब्रेड में, थोड़ा सा मलाई लगा दिए हैं, उसके बाद से दोनों को बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर एक गैस पे यहाँ पे तवा चढ़ाते हैं रोटी बनाने वाली, लोहा की जो सिंपल तवा होती है वही मैं आज उसी पे बना के आपको दिखाती हूँ, या फिर आप इसे नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं पैन में। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी, तो थोड़ा सा इसको हेल्दी बनाते हैं, तो इसे ना ही मैं कोई भी रिफाइन या तेल पर नहीं बना रही, इसको घी में बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा डालते हैं घी और दोनों तरफ से यहाँ डार्क ब्राउन होने तक इसको अच्छा से रोस्ट कर लेते हैं, इतना कि मतलब इसका एकदम कुरकुरा हो जाता है ऊपर का परत, और जितना भी चीज़ है ना एकदम धीरे धीरे ये अंदर से मेल्ट हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम कम करके यहाँ पे इसको इस तरह से ऊपर से नीचे दोनों साइड पलट के इसको पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एकदम कलर चेंज हो गया है दोनों साइड से, और कुरकुरा भी एकदम हो गया है ऊपर का भाग, और ये धीरे धीरे चीज़ भी मेल्ट हो गया होगा। तो चलिए यहाँ लगभग इसको 2 से 3 मिनट इसको पलटते हुए इसको पका लेना है। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ दूसरा वाला भी ब्रेड यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो पहले तवे पे यहाँ ब्रेड रखते हैं, उसके बाद से इसमें मलाई लगाते हैं, मलाई भी जितना पसंद है आप भर के लगाइए या फिर मक्खन जो भी। उसके बाद से ये बेबी कॉर्न वाला और चीज़ वाला जो स्टफिंग है उसको इस पर रख देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा से रखना है ताकि ये बाद में जाके मेल्ट होगा ना, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो सबको अच्छे से यहाँ पे मिला देते हैं। चलिए ये साइड में थोड़ा सा यहाँ पे तवे पे गिर गया, इसको हटा देते हैं। बाकी सबको अच्छे से करके दूसरे वाले ब्रेड में भी मलाई लगा के उसको चिपका देते हैं। फिर यहाँ डालते हैं साइड से घी, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से पलट लेते हैं, इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये जब हम पलटे तो इसका गिरे नहीं स्टफिंग।
तो चलिए ये परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये हो गया है। तो ये देखिए दोनों साइड से यहाँ घी लगाते हैं, इसको छुड़ाते हुए साइड से अच्छे से। ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा इसको दबाना भी नहीं है, हल्के हाथों से इसको दबा के उठा लेना है। देखिए स्टफिंग एकदम अच्छे से यहाँ चिपक गया है, तो अब गिरने का भी डर नहीं है। तो इस तरह से इसको भी 4 से 5 बार पलट के अच्छा से एकदम, मतलब ऊपर का ये जो परत है ब्राउन, ये अच्छा से हमारा एकदम कुरकुरा हो जाए। और ये 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो गया था। फाइनली हमारे यहाँ दोनों ब्रेड पक चुके हैं। अब हम एक यहाँ ले लेते हैं प्लेट में और इसको ठंडा होने दीजिए। 1 से 2 मिनट वेट कर लीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद से जब ये ठंडी हो जाए तो इसको इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए चीज़, वाव, जब चीज़ ये इस तरह से, मोजरेला चीज़ की खासियत ही है ये, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको जितना ही आप खोलोगे ना, ये एकदम लच्छेदार खुलते जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है पिज्ज़ा वगैरह में से। एकदम हमारा ये मिनी पिज़्ज़ा घर पे बन के रेडी हो गया ना, ब्रेड का एकदम आसान रेसिपी है। तो अगर आपके पास सुबह में टाइम कम रहता है, ऐसे भी मॉर्निंग में सारे बच्चों का स्कूल रहता है, तो आप ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, जल्दी से आप बनाकर इसे रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए वाव, इस तरह से और भी बहुत सारे मैंने यहाँ पे बना के सबको रख लेती हूँ। तो ये रहा फाइनली हमारा आज का ब्रेड का सैंडविच या पिज्ज़ा, आप दोनों बोल सकते हो। ये सैंडविच भी हो गया और ये पिज्ज़ा भी हो गया, तो आप मतलब एक डिश में 2 नाम दे सकते हो। तो ये रहा फाइनली हमारा आज का ब्रेड का पिज्ज़ा बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहो तो इसे ओपन करके भी कट कर सकते हो तो वो हो जाएगा, लेकिन बट इसको यहाँ मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये पिज्ज़ा भी हो गया और यहाँ सैंडविच भी। तो फाइनली हमारा ये आज का लंच का आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बनके पूरा रेडी हो गया, सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी। ये देखिए आपको कितना लुक सो यम्मी देखने में, बेबी कॉर्न, चीज़, हर चीज़, मतलब इसका जो भी हमने यहाँ पर वेजिटेबल ऐड किया था वो एकदम क्लियर दिख रहा है। तो मेरे बच्चे तो देख के एकदम खुश हो गए, और इसे हम बच्चे को टिफिन में पैक करेंगे एकदम गर्मा गर्म। ये ब्रेड का सैंडविच और इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। अब बच्चे तो आज टिफिन फिनिश करके ही आएंगे। तो चलिए ये रहा हमारा आज का रेसिपी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको लंच में पैक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये रहा यहाँ मैंने ब्रेड का पिज्ज़ा या सैंडविच, जो भी आप भी इसको बोल सकते हो, मैंने यहाँ रख दिया। उसके साथ थोड़े से मैंने फ्रूट्स रखे हैं। तो ये रहा नाशपाती, फाइनली हमारा लंच पैक रेडी हो गया। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।